आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड पकौड़ा। इसके लिए सबसे पहले ब्रेड स्लाइस 6 पीस, 250 ग्राम बेसन और ये कुछ मसाले जो हम डालने जा रहे हैं इसमें बेसन के बाउल में। सबसे पहले एक बाउल लेना है, इसमें बेसन, इसके बाद नमक स्वाद अनुसार, ये धनिया पाउडर और अजवाइन मिक्स करके मैंने रखी हुई है, आपके पास नहीं हो तब भी कोई बात नहीं, आधा छोटा चम्मच, आधा छोटा चम्मच हल्दी, लाल मिर्च पाउडर स्वाद अनुसार, यहाँ मैंने आधा छोटा चम्मच ही लिए, दो से तीन हरी मिर्च बारीक बारीक काटनी है, और फिर सादे पानी से घोल बना लें। जितना बेसन है उससे आधा पानी लगता है इसमें, बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो ज़्यादा पतला घोल हो जाएगा और वो अच्छे नहीं बनेंगे स्लाइस, इसमें टूट जाएंगे। इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए थोड़ा गाढ़ा मिक्सचर बनाना है और ध्यान रखना है कि गांठें ना पड़े। घोल हमारा तैयार हो गया, इसको अगर हम चम्मच से उठा के देखेंगे तो एक धार में गिरना चाहिए। इसको कम से कम 2 मिनट तक फेंटना है। फिर जो ये स्लाइस हमने लिए थे इसको आपने काटना है, किसी भी आकार में आप काट सकते हैं, चकोर या तिकोने। अब इसमें स्लाइस डिप करके बेसन के घोल में, तेल गरम करना है, तेल में थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, आंच को पहले फुल रखेंगे, ये तेल गरम हो चुका है और अब इसमें हम डालेंगे ब्रेड स्लाइस घोल में डिप कर करके। जितने कढ़ाई में एक बार में आ जाए उतने ही डालने, अगर ज़्यादा डालेंगे तो ये चिपकने का डर रहता है।
चमची की सहायता से इसको थोड़ी देर पर पलटना है ताकि दोनों साइड से सिक जाए। अच्छी तरह से ब्राउन करना है इसको। ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। ये इसको आराम से पलटना। जब तक ब्राउन हो इसको एक दो बार पलटते रहना। ये काफी पौष्टिक होता है और बच्चों को और बड़ों को काफी पसंद आता है और इसको हम किसी भी टाइम बना के खा सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत कम टाइम लगता है। शाम को चाय के साथ या सुबह ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हैं। इसको पलटना। इसमें दो से तीन पीस आप एक बार में डालें ताकि इजीली ये उलट पलट सकें। इसको ये हमारे तैयार हो गया। ये डिश बच्चों को काफी पसंद आती है। और इसको हम कभी भी बना के छुट्टियों में भी खा सकते हैं। बच्चों को लंच में बना के भी आप दे सकते हो टिफिन में पैक करके। इसको अब एक प्लेट में निकालना है। एक प्लेट में नैपकिन या अखबार आप बिछा सकते हैं। नैपकिन नहीं है तो भी कोई बात नहीं, अखबार बिछा के उसमें निकाल सकते हैं ताकि एक्स्ट्रा तेल निकल जाए। जो तलने में ज़्यादा तेल जो लोग नहीं पसंद करते हैं इसलिए, ताकि फालतू तेल जो है वो निकल जाए। ये हमारे तैयार हो गए हैं ब्रेड स्लाइस। अब डेकोरेट करने के लिए एक अलग प्लेट में इसको निकाल के रखिए सर्व करने के लिए। इसे आप चटनी या सॉस के साथ खा सकते हैं। गर्मा गर्म परोसिए, खुद खाइए और दूसरों को खिलाइए। थैंक यू।